नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। किसानों को नहीं मिल रहा 2017 में खराब हुई खरीफ की फसल का बीमा मुआवजा। गौरतलब है कि आज चांचौड़ा के ग्राम देदला से किसान पहुंचे जिलाधीश कार्यालय, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि 2017 में उनकी खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी, जिसका बीमा उन्हें आज दिनांक तक नहीं मिला। वहीं किसानों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि उन्हें जल्द ही बीमा नहीं मिलता तो वह चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गौरतलब है कि विगत 23 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना में किसान सम्मेलन के मंच से 16,974 किसानों को तकरीबन 43,90,00,000 रुपए की राशि बीमा के तौर पर बैंक खातों में डाले जाने का दावा किया था। लेकिन आज जब किसान कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे तब पता लगा कि कई किसान तो ऐसे हैं जिनको 2017 में खराब हुई उनकी खरीफ की फसल का पैसा तक नहीं मिल पाया। नाम बताओ, नाम पहला पेज निकालो। हम चांचौड़ा तहसील से ग्राम देदला से गणपत मीना नाम है मेरा। ये हम बीमा राशि के संबंध में आए, हमारी बीमा राशि नहीं दी गई है। 2017 का जो खरीफ बीमा था ना, वो हमारे पूरे गांव वासियों को किसी को नहीं मिला, जबकि आसपास के सभी गांव वालों को बीमा दिया जा रहा है। जबकि हमने हमारे केसीसी में बीमा कंपनी को हमारे पूरी राशि का भुगतान किया, पूरा जमा किया जितना भी उनका बनता है बीघा के हिसाब से, और प्राइवेट भी बीमा किया, SBI बैंक में किया, ग्रामीण बैंक में किया, यूनियन बैंक में किया, किसी भी बैंक में हमारा कोई बीमा नहीं आया। जबकि पिछली बार एक साल पहले भी हमारा बीमा नहीं आया था, जबकि हम बैंक गए तो बैंक वालों ने बताया कि आपके पटवारी से और तहसीलदार से मिलो। तो हम तहसीलदार साहब से मिलने गए, पटवारी से मिलने गए, तो वो कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब हमें पता नहीं उन्होंने ऊपर क्या रिपोर्ट भेजी, जबकि हमारा 0% नुकसान था हमारी सोयाबीन का। तो हम उस बीमा के लिए उसकी मांग करने यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ गुना आए हैं और माननीय CM साहब के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं कलेक्टर साहब को। और पूरे गांव वालों का कहना है कि अगर हमारा बीमा नहीं दिलवाया तो हम अब की बार पूरे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर बीमा की राशि मिलेगी तो ही हम चुनाव करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में कोई सी भी शासकीय सुविधा का कोई लाभ नहीं है। ये बीमा कंपनी का आपके तो जो कितने घर की बस्ती है और कितने किसान लोगों को बीमा नहीं मिला? 500 घर की बस्ती है हमारे, और हमारे गांव में कम से कम 150 लोगों को कोई बीमा नहीं मिला है। जबकि जो इनका जो भी बैंक में बिल्कुल ड्यू चल रहा है KCC, और टाइम टू टाइम बीमा राशि जमा करते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत 23 जुलाई को 43 करोड़ रुपया फसल बीमा का ट्रांसफर किया है जी, तो उसमें नहीं आया क्या? उसमें हमारा कोई राशि नहीं आई है, जबकि माननीय CM साहब ने गुना में ही बोला था 23 तारीख को कि सभी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सभी को लाभ मिलेगा जिन्होंने बीमा किया है। जबकि हमारा हर साल हम प्रीमियम भरते हैं पर कोई बीमा नहीं मिला हमें आज तक। और इसमें हमारे पटवारी, रोजगार सहायक, हमारे सरपंच के द्वारा ना जाने ऊपर क्या रिपोर्ट देते हैं, हमें कोई पता नहीं उन्होंने क्या भेजा, हमें कोई बीमा राशि नहीं। अच्छा, बैंक वालों और बीमा कंपनी को क्या कहना है? आप उन लोगों से नहीं मिले? उन लोगों से भी मिले, बैंक वालों का कहना है कि वो तहसीलदार और पटवारी से मिलो कि उनने ऊपर क्या प्रोसेस, क्या जो भी रिपोर्ट भेजी है उस आधार पे बीमा आता है। बैंक तो कह रही है कि अगर ऊपर से शासन हमें पैसा देगी तो हम आपको दे देंगे। आपकी कितनी बीघा खेती है? हमारी 60 बीघा एक है, 25 बीघा एक है, 15 बीघा एक है, तीनों का मतलब KCC में प्रीमियम भरते हैं हम बीमा का, हर बार भरते हैं। पत्नी की प्रताड़ना के चलते पति पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। बीनागंज के रहने वाले अवधेश शर्मा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। अवधेश की माने तो उसकी पत्नी आए दिन घर में झगड़ा करती रहती है,
जिसके चलते अवधेश के माता पिता को भी घर में नहीं रखती। अवधेश के मुताबिक पत्नी की प्रताड़ना से इतना परेशान हो चुका है कि उन्हें आखिरकार पुलिस की शरण में आना पड़ा। अवधेश के साथ उसका छोटा भाई भी आया था जिसकी पत्नी गर्भवती है। कल शाम जरा सी बात को लेकर अवधेश की पत्नी ने उसकी गर्भवती महिला के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद अवधेश और उसके भाई की शिकायत पुलिस में कर दी। वहीं अवधेश के भाई ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि ये चलन में आ गया है कि हर कोई पुलिस पर ही उंगली उठाता है। अब देखने लायक होगा कि पुलिस अधीक्षक इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। मेरी वाइफ कल 9 बजे के लगभग बर्तन मांझ रही थी, तो कुछ पानी उधर उनके घर तरफ जाने की वजह से इसके बाल पकड़ के खींच कर ले गई। जो ऋतु शर्मा है वो ले गई है, पर इसको मारा। मैंने बीच बचाव किया तो मेरी क्या रिपोर्ट लिख पाई है, इसने मेरे में लट्टे दिए हैं। मैंने इसको बताया ये प्रेग्नेंट है, पहले एक बच्चा मेरा ख़त्म हो चुका है और उसकी वजह से पहले भी लड़ाई हुई थी, वो तो मैंने घर की वजह से रिपोर्ट नहीं की। और अब की बार अगर वो ख़त्म हो गया तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। पर जामनेर वाले आए हैं रात को 1:30 बजे, पुलिस वाले हमको घर से उठा कर ले गए हैं, भैया को और मेयर को दोनों को। उन्होंने पुलिस वालों ने मारा है और वहाँ पे चौकी में मारा है और घर पे लेडीजों को भी मारा है हमारा। और पैसे मांग रहे थे रिपोर्ट करने के, मैंने पैसे नहीं दिए और उनसे पैसे उन्होंने पता नहीं पैसे दे दिए, इसलिए हमको मारा। और कुछ कागजों पे साइन कराया, पता नहीं क्या है। बर्तन मांग रही थी, बाल पकड़ के घर खींच लिया और पेट में भी लात। अच्छा, किस बात पे? बर्तन मांगने के बाद और कोई अब गाली गुप्ता करने लगी और फिर पकड़ के खींच लिया, थोड़ा सा पानी चले गया था उसके पीछे। सर, मेरी पत्नी 8-9 साल से मुझे इतना कर रही परेशान, मतलब मेरे परिवार वाले सब कर रही परेशान बहुत। माँ बाप को निकाल दिया, सब अकेले रहता हूँ। चाचा की बच्ची हैं, इन्हें को इतना परेशान, मर जाओ से लड़ना रात दिन, चाहे कोई भी हो, भले आज पड़ोस वाले कुछ भी हो। अच्छा, सब मुझसे लड़ना हमेशा से, वो इतना मेरा व्यवहार सब बहुत ज़्यादा। तो ऐसा क्या नेचर है उनका या कुछ और चाहती हैं वो? उग्र व्यवहार शुरू से ही है। अच्छा, 8 साल। तो अब आपके घर में वो खुद ही रहती हैं? खुद ही रहती हैं। और आप दूसरे घर में रहते हैं? नहीं, पापा जो माँ दूसरे घर में थे, माँ बाप। अच्छा अच्छा, मैं रहता हूँ, वो रहती है बस। मेरा जीना मुश्किल हो रहा है, वहाँ दिन रात लड़ी रही, मैं पालतू कोई काम ही नहीं। राशन कार्ड पर पर्ची लगवाने आए शहरवासियों को नगर पालिका के कर्मचारी ने दी भद्दी गालियां और धमकी, ऐसा कहना है गुप्ता कॉलोनी निवासी रिंकू ओझा का। राशन कार्ड के काम से पहुंचे शहर के कुछ नागरिक जब नगर पालिका में दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां पर एक कार्यरत एक नगर पालिका कर्मी ने उन सभी लोगों से बदतमीजी की, जिसके चलते वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। यहां तक कि उस कर्मचारी की शिकायत वहां पर खड़ी महिलाएं भी कर रही थी। जैसे ही उक्त नगर पालिका के कर्मचारी ने हमारे कैमरे को देखा तो वह अपनी सीट छोड़कर साइड में खड़ा हो गया। हमारे किसी भी सवाल का जवाब नगर पालिका कर्मी नहीं दे पाया। अरे भाई चलो, हो गया तो हो गया, चलो। गाली देने लग रहा था मेरे लिए। मैंने पूछा आप काम क्या आए थे इधर? मैं राशन कार्ड पे स्लिप लगवाने आया था। मैंने पूछा उनसे क्या हो रहा है, बोले कि कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे लायक कुछ नहीं है। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम, वो तो बता दो मुझे, मेरा स्लिप लगवाना है। बोले कि नहीं लग रही, निकलो जहाँ से। गई गाली गलौज देने लगे, गई चेड़ गए, बोले चोरी करने आ जे वो फलाने ढिकाना खींच के निकाले। घर वाले पकड़ ली उसने मेरी, पैसे अलग मांगने लग रहा है, जे होगा वो होगा फलाने ढिकाना, चोरी कर ली तुमने, फार्म फाड़ के फेंक दिए, जे बोलने लग रहा है। नगर पालिका परिषद में आज मजदूरी कार्ड का वितरण किया गया। जिन लोगों ने मजदूरी कार्ड बनवाए थे आज उन्हें बड़ी संख्या में नगर पालिका पहुंचकर अपने मजदूरी कार्ड को लिया। नगर पालिका द्वारा 500 से ज्यादा लोगों को आज मजदूरी कार्ड मुहैया कराए गए, जिसके तहत शासकीय योजनाओं का लाभ मजदूरों को मिल सकेगा।
धरना प्रदर्शन के इस दौर में मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने भी अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। 26 तारीख से जारी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन को पुराने कलेक्ट्रेट के समीप किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन के जरिए लिपिक कर्मचारी सरकार के ऊपर अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लिपिक कर्मियों की प्रमुख मांगे रमेश चंद्र समिति की अनुशंसा को लागू करना, पेंशन की नई नीति को बंद कर पुरानी नीति शुरू करना, वेतन अनियमितताओं को दूर करना। कर्मचारी संघ की माने तो जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कड़ी में जुड़े हुए, जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत से लोग हों। अगर एक ही बंदा अपने पास आती है वो भी कमी अपन में नहीं है, जो कमी है उन लोगों में है जो अपने बीच में नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं है कि मुद्दा व्यक्तिगत नहीं, ये मुद्दा सामूहिक, भी काम मिलेगा तो ये नहीं है कि बहुत काम है। 26/7/2018 को हड़ताल शुरू की गई थी। आज निरंतर अनिश्चित हड़ताल जारी रहते हुए आज हड़ताल का तीसरा दिन है। अभी कुछ ही समय बाद वाहन रैली का निकालने का प्रोग्राम रखा गया है, जो हनुमान चौराहे, हाट रोड, सदर बाजार होते हुए लक्ष्मीगंज ज्येष्ठम चौराहे से धरना स्थल पर समापन। क्या है आपकी मुख्य मांग? उसमें मुख्य मांग है रमेश चंद शर्मा समिति की मांगों को लागू करना, दूसरा संविदा प्रथा को समाप्त कर नियमितीकरण व्यवस्था करना, तीसरा पुरानी पेंशन योजना को समाप्त, नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजनाएं लागू कर रहे हैं, ऐसी प्रमुख मांग। शासकीय शिक्षकों की शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में स्थानांतरण के लिए आज काउंसलिंग की गई। इस काउंसलिंग में कई सारे विवाद उठकर सामने आए। शिक्षकों ने समिति के ऊपर आरोप लगाए कि वह पक्षपात कर रही है। हालांकि बाद में शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने सबको आश्वस्त किया कि हर चीज में पारदर्शिता होगी और किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। तब जाकर शिक्षकों का आक्रोश ठंडा हुआ। बता दें कि 2015 में सभी शासकीय शिक्षकों ने एक टेस्ट दिया था जिसका उद्देश्य उत्कृष्ट विद्यालय में इनकी भर्ती करना था। इसको लेकर कई शिक्षक हाईकोर्ट भी गए, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद आखिर इसका रिजल्ट आ ही गया, जिसके तहत शिक्षकों को उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ किया जाना था। हालांकि इन सबकी पोस्टिंग रैंकिंग के हिसाब से होगी। वहीं ये पोस्टिंग केवल 2 साल के लिए ही मान्य रहेगी। यदि 2 साल में शिक्षकों ने अच्छी शिक्षा नहीं दी तो उन्हें अपने पुराने विद्यालय में ही भेज दिया जाएगा। आज दिन भर रही गहमा गहमी के बाद आखिरकार शाम को शिक्षा अधिकारी ने सबको आश्वस्त किया, तब जाकर पूरा मामला शांत हुआ। सचिवों की जिला स्तरीय समस्याओं को लेकर साथ ही सातवें वेतनमान एवं 13 सूत्री मांगों को लेकर आगामी रणनीति बनाने के लिए आज एक निजी होटल में सचिवों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से आगामी रणनीति भी बनाई जाएगी, जिसके तहत यह फैसला लिया गया कि सभी अपना काम अच्छे से करेंगे ताकि कोई अधिकारी परेशान न कर पाए और न ही कोई और। इसे तो कड़े नियम सम्मेलन के माध्यम से बनाए गए। वास्तव में सम्माननीय शर्मा जी की लगन, मेहनत और सीएम साहब का असम्माननीय शर्मा जी से लगा, ये हमने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि 2013 में अंशदायी पेंशन योजना, वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति, अनुग्रह राशि, इन सब की घोषणा। भारत माता की, भारत माता की, अभी तो यह लड़ाई है, नहीं कृष्ण से भीख मांगते, आवाज दो। मेरे इस मंच के सामने पीछे पंक्ति में बैठे वहां से लेकर मंचा से मेरे वरिष्ठ साथियों से निवेदन करूंगा, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ
मार्गदर्शन देते हुए सहयोग करते हुए ऐसा दहलीज तक लेकर आए कि पंचायत कर्मी को पंचायत सचिव का दर्जा दिलाने में मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के बैनर तले और गुना जिला इकाई के बैनर तले आज सचिवों के जिला स्तरीय समस्याओं को लेकर के सचिवों को जागृत करने के लिए और 13 सूत्री मांगों को लेकर के आगामी आंदोलन और सातवें वेतन मान को लेकर के हमारे सचिव संगठन की जो प्रदेश की रणनीति बनी है उसको पूरे प्रदेश में क्रियान्वित करने के उद्देश्य से आज का सम्मेलन आयोजित किया गया है। और यहाँ पर मुख्य मुद्दा विशेष रूप से प्रशासनिक की स्थानीय समस्याएँ, वेतन मान का निर्धारण नहीं होना, धारा 92 में पंचायत सचिवों को प्रताड़ित करना, परेशान करना, काम होने के बाद भी पंचायत सचिवों की वेतन वृद्धि रोकना, बेस ऐसे कई मामले हैं जिनसे पंचायत सचिव गुना में कई लंबे समय से परेशान हैं। मैं और संभाग अध्यक्ष राकेश शर्मा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष, हम लोग आज यहाँ पर सबके साथ चर्चा करने के बाद प्रशासन के बाद पास में हमारा संगठन का प्रतिनिधिमंडल कल जाएगा और यहाँ पर धारा 92 के नाम पे जो खेल किया जा रहा है, कहीं SDM प्रताड़ित कर रहे हैं, कहीं CO प्रताड़ित कर रहे हैं, सचिवों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होने दिया जाएगा। ये आज के संगठन का मेरा प्रदेश की ओर से पैगाम लेकर के मैं गुना में आया हूँ। संभाग स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन इन दिनों गुना में किया जा रहा है। उक्त प्रतियोगिता अंडर 14 के छात्र एवं छात्राओं के लिए आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में ग्वालियर संभाग के गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का समापन 30 जुलाई को किया जाएगा। संभाग स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स जिला शिक्षा अधिकारी गुना के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है। यहाँ पर इसमें गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और शोपुर की टीमों ने भाग लिया है और इसके साथ साथ इतनी टीम गर्ल्स अंडर 14 की आई हैं। ये 28 से 30 इसका आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे। इसके लगभग मतलब मैच चल रहे हैं, अभी लीग के मैच चल रहे हैं, रिजल्ट बाद में, फाइनल बाद में आएंगे। भदौरा से टेकरी सरकार के दर्शन के लिए आया अनुयायी पैदल चढ़कर DJ की धुनों पर थिरकते हुए नजर आए। भदौरा ग्राम के निवासियों ने आज इस यात्रा का आयोजन रखा जिसमें DJ की धुनों पर थिरकते हुए सभी भक्त गुना टेकरी सरकार के दर्शन करने पहुंचे। ये सावन मास के प्रारंभ होते ही एक धार्मिक यात्रा थी। गांव वाले हैं? गांव वाले बालाजी ग्राम गंगा शिक्षा समिति से है। कौन कौन से गांव की है? समिति कौन सी है? बालाजी ग्राम, बालाजी ग्राम विकास योजना, बाली युवा समिति, बाली युवा समिति। भदौरा से टेकरी जाएगी तो क्या मकसद है आप लोगों का? सिर्फ अपना चिंता है, सावन मास का महीना लगा है। जिंदगी पेट भरने के लिए कुछ भी करा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गृह नगर में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कम उम्र एक लड़की पेट भरने के लिए रस्सी पर चलकर खेल दिखाती रही, रस्सी पर चलती रही, जनता तमाशा देखती रही और तालियां बजाती रही। नाबालिग लड़की 1 रुपए कमाने के लिए घंटों तक रस्सी पर खेल बताती रही, भीड़ तमाशा देखती रही। का दान किया, 10 के बदले उनको 1 लाख रुपया मिले।
राधोगढ़ से हमारे सहयोगी तेज सिंह यादव की रिपोर्ट। शिक्षक ने की विद्यार्थी की जमकर पिटाई। हम बात कर रहे हैं आरोन ब्लॉक की। यहां पर श्रीराम पब्लिक मिडिल स्कूल में शिक्षक ने एक विद्यार्थी की जमकर पिटाई कर दी। विद्यार्थी मोर सिंह पाल बघेल 7 साल निवासी पिपरौदा का रहने वाला है, जो कि श्रीराम पब्लिक मिडिल स्कूल आरोन में पढ़ता है। छात्र ने बताया कि आज सुबह स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तभी हेडमास्टर राम रघुवंशी ने मेरी डंडे से पिटाई कर दी। विद्यार्थी के पिता ने बताया कि मेरा पुत्र स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, स्कूल के प्रधानाध्यापक ने मेरे बेटे की जमकर पिटाई की। पिटाई इतनी की कि उसके शरीर पर डंडे के निशान हैं। मैंने इस विषय में थाने में आवेदन भी दिया है, एक आवेदन मैंने कलेक्टर को भी भेजा है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ स्कूल संचालक द्वारा बताया गया कि मेरे स्कूल में ऐसा कोई विद्यार्थी एवं ऐसी कोई भी घटना स्कूल में नहीं घटी एवं ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट विद्यार्थी का नहीं है। मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उस स्कूल में पढ़ने वाले कई विद्यार्थियों ने बताया कि हमारे स्कूल में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी, राम सर ने किसी भी विद्यार्थी को नहीं पीटा। आखिर असली माजरा क्या है, ये तो जाँच के बाद ही सामने आएगा। किसमें? आप में? हाँ। कौन देने लगे, क्या नाम था उनका? राम रघुवंशी। राम रघुवंशी जी है। तो आपने कुछ गलती की थी या ऐसे ही मानने लगे? आपका नाम क्या है? आपके बच्चे के पिताजी हो? हाँ। तो बच्चे को टीचर द्वारा वो मारा गया, उसकी आपने शिकायत की कि नहीं की? शिकायत करी नहीं। श्याम का थाने में आओ, पहले तो 100 नंबर गाड़ी फोन लगाओ। गाड़ी का बोली बोले कौन कर रहे थे, कहीं हवा आ रही है गाड़ी की, बही रहे पानी बड़ा त्रास बड़ा हो गया। तो उसने पहुँचा रही, फिर बाद में कहने लगे कि गाड़ी कहीं नहीं आ पा रही थी, तो कहीं सवेरे रिपोर्ट कर। कब की घटना है ये? ये सवेरे की, आज की है? कल की है, कल सुबह की। तो आपने उनसे संपर्क किया था, जो आप मास्टर से संपर्क किया था क्या आपने? हाँ सर से मैंने बात करी, बात तो रिकॉर्डिंग नहीं मेरे मोबाइल में, नहीं आप पूरी सुना। तो आपको कैसे पता पड़ा कि बच्चे को पीटा? हमें ऐसे पता पड़ा, श्याम का जहाँ से मजदूरी करके गाओ, श्याम का पानी में घर पहुँचा, तो घर जो रो रहा उल्टी हो रही मुँह यार, मर्चा भी लगाओ, मर्चा का बोलो कि तुझे दिखा ऐसा कर लेना कहीं। आरोन या पिपरौदा? आरोन आते हो पढ़ने? आपको किसने सर ने पीटा था? राम सर ने, राम रघुवंशी। राम सर ने किस लिए पीटा था? हम पढ़ रहे थे तो बनने आम के डंडा ही डल लगे। कुछ आपने कुछ शरारत की थी क्या, ऐसे ही पीटने लगे आपने? आप ऐसे ही पीटने लगे आपने? कौन क्लास में? पांचवी में। पांचवी में हो? हाँ। कोई घटना घटी है इस स्कूल में? बच्चे कोई पिपरौदा कला का बच्चे को पीटा हो किसी सर ने या टीचर ने? कहाँ सर ये क्या, ये पिपरौदा कला की जो घटना घटी थी, एक बच्चे को मारपीट का आरोप लगा रहा है और उस थाने में वह एसपी का आवेदन भी दिए हैं, क्या वो सही है या गलत है? जी बिल्कुल गलत है, उस बच्चे का कोई यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं है, वो अपने मतलब इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। ठीक है, अपने झूठा मतलब फंसाया जा रहा है उस बच्चे का, आप रिकॉर्ड चेक करवा लें, मेरे स्कूल में भी करवा लें, उसके गांव के स्कूल में भी रिकॉर्ड चेक करवा लें। ठीक है, उसके बाद आप जो भी उचित लगे, आप अगर मेरी कोई देख रहे हैं आप। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।